सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं टाइगन की वीडियो बनाने के लिए। सो ये वाला टॉप एंड वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। बेसिकली इसके अंदर दो तरीके के इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, एक 1.0 और एक 1.5। सो 1.0 है ये टर्बो इंजन में, और आज हम इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू लेने वाले हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। और अगर हम फंक्शंस की इसकी बात करें तो पुश स्टार्ट का बटन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी मिल जाता है हमें गाड़ी के अंदर, और जो इसका पूरा पैनल होगा वो टच रहेगा फ्रेंड्स। एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 10.1 इंचेस की एमआईडी स्क्रीन हमें इसके अंदर मिल जाती है जो कि गाड़ी को एक लुक प्रोवाइड करती है, लुक को एनहेंस करती है। स्टीयरिंग जो है वो बॉटम कट रहेगा विद लेदर रैप्ड रहेगा। और मैं टेस्ट ड्राइव के लिए आया था बेसिकली इसका एक बार रिव्यू लेने के लिए, भाई किस तरीके से ये ड्राइव करती है। अगर हम सनरूफ की बात करें तो फ्रेंड्स ये मैनुअल मिलेगा हमें यहाँ पर सनरूफ, इसको आप देख सकते हैं, ये वाइडर आप कंपेयर करना चाहें जिससे आप कर सकते हैं सर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी ड्राइविंग रिव्यू के लिए। ठीक है, जो स्टीयरिंग रहेगा हमारा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों रहेगा, इसकी सिटिंग थोड़ी नीचे है लाइक जैसे क्रेटा की होती है और गाड़ियों की होती है उस तरीके से इसकी नीचे है। सो आप एक बार आरपीएम मीटर इनको एमआईडी स्क्रीन दिखाओ एक बार किस तरीके से, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है लुक में। सीट बेल्ट की साउंड ब्लिंक कर रही है साथ साथ, सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी ठीक है। बेसिकली हम इसका स्पोर्ट्स मोड कैसे लगेगा, ये डी पे करके लास्ट में आपको अपनी तरफ करना है। अच्छा, वही सेम सर। ये कितने सेकंड्स में 100 की स्पीड एक्वायर करती है? ऐसे देखो मैं आपको अभी ऐसा कोई है नहीं जी, मैं बता पाऊंगा कितने सेकंड में या कितने उसमें टाइम में। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो प्ले मिल जाएगा हमें, एप्पल कार प्ले मिल जाएगा, वैले मोड मिल जाएगा। वैले मोड के अंदर क्या होता है, कोई फ्रेंड आपका गाड़ी लेके गया, वो बोलता है भाई मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ, वो और आगे अगर जाने की कोशिश करता है तो आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लाइक उसने कितने कौन कौन से डोर ओपन करे हैं, कितने की टॉप एंड स्पीड पर उसने चलाई है, किस तरीके से उसने टर्न लिए हैं गाड़ी के अंदर, उसका जो ड्राइविंग स्कोर होता है वो उसके अंदर एक्वायर होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स मोड में लगाने के बाद मैं इसको एक्सीलरेट करता हूँ तो गाड़ी काफ़ी जल्दी आप देख सकते हैं स्पीड एक्वायर कर लेती है। ब्रेकिंग मेरे को इसकी थोड़ी सी हल्की लग रही है सही में, मजा सही में वो जब हम ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं ना तो देर बाद वो पंच आता है। हाँ, पंच है नहीं आता। पर वो काफी ज्यादा डिले है। वैसे इसकी साउंड क्वालिटी जो है जब हम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी साउंड बहुत अच्छी रहती है। अब मैं इसको ड्राइविंग मोड पे ले आया हूँ और हम इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग देख सकते हैं सर। सो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आ जाती है, ड्राइविंग डाटा आ चुका है इसके अंदर हमारे पास, कंजप्शन कितना हुआ है कैसे क्या है वो सारी चीज़ें। सो ओवरऑल गाड़ी ठीक है। इधर जो क्या है वो मैनुअल चीज़ दी है, ये किस चीज़ के लिए सर? लाइटिंग के लिए, लाइट के लिए, हेडलैम्प। अच्छा, हेडलैम्प्स के लिए, मे बी आप देख ना पाएं। इधर जो स्विचेस दिए हैं वो मैनुअली दिए हैं हेडलैम्प्स के लिए। इसके लिए मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे फीचर्स को इलेबरेट करके मैं शो करूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बंद करो भाई।